हे गाइज, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और मेरे सारे काम ख़त्म हो चुके हैं। परी का क्लास भी ख़त्म हो चुका है, सब ने ब्रेकफास्ट भी कर लिया है और मैं फिर से दोबारा बेड ठीक कर रही हूँ। जब सब कोई घर में हो तो फिर दिन में 3 से 4 बार बेड से ठीक करना पड़ जाता है। सुबह से ये दूसरी बार है, पता नहीं दिन में कितनी बार करनी पड़ जाए। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा। और आप लोग मेरे वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, लाइक कर दिया कीजिए और कमेंट भी ज़रूर कीजिए। आप लोग कमेंट भी नहीं करते हैं। और जब तक मैं बेड से ठीक कर रही हूँ तब तक मैं आप लोगों को एक प्रोडक्ट के बारे में बता देती हूँ। दोस्तों, ये है एवरटीन का सैनिटरी पैड। पीरियड के दौरान आपने देखा होगा कि अगर हम नॉर्मल पैड का इस्तेमाल करते हैं तो हमें पैड के इस्तेमाल से इचिंग की समस्या हो जाती है, इन्फेक्शन की समस्या हो जाती है, टैनिंग की समस्या हो जाती है। लेकिन अगर आप एवरटीन के पैड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको ये सब समस्या नहीं होगी। और ये कॉटन का बना हुआ है। अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो इसका परचेज लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है, तो चेक कर लीजिएगा। और आप मेरे कूपन कोड का इस्तेमाल करके 5% डिस्काउंट भी पा सकते हैं। तो बस घर बैठे ऑर्डर करना है। और ये बहुत ही अच्छा ब्रांड है। मैं भी एवरटीन के ही पैड का और मेंस्ट्रुअल कप का इस्तेमाल करती हूँ। और आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग तैयार होके कहाँ जा रहे हैं, तो हम लोग मार्केट जा रहे हैं। परी को ये ड्रेस पहन के तो नहीं जाना है, बस उसने रील्स बनाने के लिए ये ड्रेस पहन लिया है, फिर चेंज करके जाएगी। कब से बोल रही थी कि मुझे रेड वाला ड्रेस पहन के रील्स बनाना है। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम का आईडी है swati.biotech.uk। और आज मैंने पूजा के बाद मंदिर का भी रिकॉर्डिंग कर लिया था। आज है मंगलवार, तो आज के दिन विशेष रूप से हनुमान जी की पूजा होती है। वैसे तो मैं रोज़ हनुमान जी की ही पूजा करती हूँ। और अभी मैंने 41 दिन का अनुष्ठान भी किया हुआ है, 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ने का, तो वो भी मैं डेली पढ़ती हूँ। और यहाँ पर मैं लगा रही हूँ मेहंदी। और आदत छूट गई है तो लग ही नहीं रहा है, बिल्कुल धीरे धीरे लगा रही हूँ और पता नहीं कौन सा डिज़ाइन लगा रही हूँ। और जब भी मुझे कोई डिज़ाइन समझ में नहीं आता है तो ये सोच के तसल्ली कर लेती हूँ कि चलो रेड हो जाएगा तो सब अच्छा ही लगेगा। अगर हम डॉट डॉट करके भी डिज़ाइन लगा ले तो रेड होने के बाद वो भी अच्छा लगता है। ये तो मैं सीधे हाथ से लगा रही तो फिर भी अच्छा लग रहा है, लेकिन जब मैं उल्टे हाथ से अपने दूसरे हाथ में लगाऊँगी तो पता नहीं कैसा लगने वाला है। और कोन वाली मेहंदी तो जल्दी सूख जाती है, तो इसको हटा के फिर मैं दूसरे हाथ में भी लगा लूँगी। बस ये ड्राई हो जाएगा तो फिर इसको हटा के छोड़ दूँगी, पानी को नहीं टच करूँगी। सावन में तो हर कोई मेहंदी लगाता है, तो आपने पिक तो ज़रूर ली होगी, तो मेरे साथ इंस्टाग्राम पर शेयर कर दीजिएगा, देख लूँगी, शायद मुझे भी कुछ आइडिया मिल जाए। वैसे तो गूगल पे बहुत सारे डिज़ाइन अवेलेबल है, लेकिन मुझे आप लोगों का भी देखना है। तो फाइनली एक हाथ में तो लग गया है, अब सूखने के बाद फिर दूसरे हाथ में लगाऊँगी। और ये बैग का है, तो इकट्ठे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो बस अब मैं निकल रही हूँ मार्केट के लिए। और अभी तो जहाँ भी निकलो मास्क तो ज़रूरी होता है। तो परी ने भी अपना ड्रेस चेंज कर लिया है और हस्बैंड बाहर निकल चुके हैं, बाहर में हमारा इंतज़ार कर रहे हैं और हॉर्न बजा रहे हैं, जिसको कि मैंने म्यूट कर दिया है। और ये भी बोल रहे हैं कि बस कहीं भी निकलो रिकॉर्डिंग शुरू कर दो। और आज मुझे मार्केट में बहुत सारा काम है, काफ़ी टाइम से मैं मार्केट नहीं जा रही थी। तो वैसे तो बहुत बड़ा काम नहीं है, छोटे छोटे कई सारे काम हैं। और ये देखिए, हस्बैंड वापस आ गए हैं देखने के लिए कि आखिर ये लोग कर क्या रही है। और अब मैं रख लेती हूँ पानी का बॉटल, जो कि ज़रूरी होता है। और इनका हेलमेट भी छूट गया था तो वही लेने आए थे। तो बस अब हम लोग निकलेंगे। और ये जो कुर्ती है, ये मेरे बर्थडे वाली कुर्ती है, इसको मैंने अपने बर्थडे पर पहना था। और ये ऑरेलिया की कुर्ती है, इसको मैंने शायद मिंत्रा से या फिर मुझे याद नहीं है फ्लिपकार्ट से मंगवाया था, मुझे याद नहीं है ठीक से। बहुत अच्छी कुर्ती है, मैंने कई बार पहन भी लिया है, मेंटेनेंस भी आसान है। और गाइज, मैंने मार्केट में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, इतनी तेज़ बारिश होने लगी कि बस अपना जान बच जाए। और मैंने कैमरा तो बिल्कुल भी नहीं निकाला। और ये है मेरा मेहंदी, अभी मैंने नेल पेंट नहीं लगाया है, नेल पेंट लगाना बाकी है। तो कैसी रची है कमेंट करके बताइएगा। और मैं लेके आई हूँ बैंगल्स, और भी चीज़ें लेके आई हूँ। और वैसे तो मैं पहले से ही तैयारी करके रख लेती हूँ, लेकिन इस बार मैं मार्केट गई ही नहीं,
पिक तो मैंने स्टार्टिंग में ही लगा दिया था, लेकिन यहाँ पर मैं वीडियो भी शेयर कर दे रही हूँ। कैसा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैंने इसका रील्स भी बनाया है, तो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पर चेक कर लीजिएगा। और आप लोग अपने ग्रीन बैंगल्स का भी पिक शेयर कीजिएगा मेरे इंस्टाग्राम पर। और मैं लेके आई हूँ समोसे, सब ने अपना अपना खा लिया है, मेरा वाला ठंडा हो रहा है, तो मैंने सोचा कि पहले रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ फिर मैं समोसे खाऊँगी। मतलब YouTube को लेके मेरा ऐसा है ना कि मेरा खाना ठंडा होता रहता है और मैं पहले रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ फिर मैं खाना खाती हूँ, तो इसीलिए मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि लाइक ज़रूर किया कीजिए और कमेंट भी किया कीजिए, तभी तो मुझे पता चलेगा कि कौन कौन मेरे वीडियो को देखता है।